हिंदुस्तान की जनता को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सूर्या बिष्ट और आज बात करूंगा एक ऐसे होशियार और होनहार पर्सनैलिटी की जो खूब काबिल होने के बावजूद कुछ बनने की जिद की जंग लड़ते लड़ते कोई कंपटीशन नहीं अपनी जिंदगी ही हार गया और अपने चाहने वालों की आंखों में आंसुओं का समुंदर छोड़ गया। 21 जनवरी 1986 जिनका जन्म बिहार के पटना के छोटे से गाँव में हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन और उनको अपना आइडल मानते हुए SRK की तरह बनने का सपना अपनी आंखों में लिए वो जूनियर सुशांत सिंह अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे और अपनी पूरी मेहनत करते थे। स्कूल कॉलेज में अव्वल आने के बाद दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में हाई रैंक लाने वाले सुशांत को उनकी मेहनत ने काफ़ी स्कॉलरशिप और मेडल्स भी दिलाए। उनके जुनून ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया, जो मन किया वो करते गए अपने सपनों को जीने के लिए। सुशांत कभी भी जी तोड़ मेहनत करने से पीछे नहीं हटे। इंजीनियरिंग के बाद सामक से डांस सीखा और बतौर बैकग्राउंड डांसर उन्होंने परफॉर्म भी किया, बाद में कोरियोग्राफर भी बने। शाहरुख खान से सीखा था तरीका सपनों को फॉलो करने का, इसलिए सपने पूरे करने की चाहत ने उन्हें कभी पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया। डांस कोरियोग्राफर बनने के बाद वो एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग क्लासेस लिया करते थे। उस बीच उन्होंने कुछ टीवी एड्स भी किए और काफ़ी लंबा टाइम उन्होंने खाली भी गुजारा। उनकी हार ना मानने की कोशिश ने उन्हें छोटे पर्दे पे आने का एक मौका दिला ही दिया। साल 2008 से एक्टिंग करियर का स्टार्टअप उन्हें स्टार प्लस के टीवी शो किस देश में है मेरा दिल से मिला। 2009 से 2011 तक GTV के पॉपुलर टीवी शो पवित्र रिश्ता में लीड रोल किया, जहां लोगों ने उन्होंने काफ़ी पसंद किया और साथ ही उन्हें एक नई पहचान भी मिली। यहीं से उनकी लव लाइफ अंकिता लोखंडे के साथ शुरू हुई, जो उनके साथ इसी टीवी सीरियल के लीड रोल में थी। 7 साल ये रिश्ता चला, उसके बाद दोनों अलग हो गए, जिसकी वजह अंकिता का मिसबिहेव और उनकी ओवर ड्रिंकिंग की एडिक्शन को बताया जा रहा था। इसके बाद सुशांत ने अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। झलक दिखला जा 4 हो या जरा नच के दिखा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और डांस शो में भी अपने टैलेंट का रंग बिखेरा। तभी ग्राउंड से ऊपर आने की कोशिश और हरदम कुछ न कुछ करने की मेहनत उन्हें बड़े पर्दे पर भी ले आई। 2013 में काई पोछे की बड़ी हिट के बाद बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग और हैंडसम फेस की तारीफें होने लगी, जिसके बाद उन्होंने इसी साल शुद्ध देसी रोमांस साइन की और मूवी हिट रही। 2014 में PK में माइनर रोल से भी उन्होंने लोगों को अपनी एक्टिंग स्किल से काफ़ी इम्प्रेस किया। 2015 में आई डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी का रोल उनका पसंदीदा किरदार था और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एवरेज रही। 2016 में रिलीज सुपरहिट मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए परफेक्ट एक्टर सुशांत सिंह ने 3 महीने क्रिकेट सीखा और धोनी के साथ अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया। इस मूवी में उनकी एक्टिंग और उनके हार्डवर्क को सभी ने अप्रिसिएट किया। इसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। फिर 2017 से 2019 तक उनकी 4 फिल्मों में से रब्ता और सोचरिया एवरेज रही। वहीं न्यू फेस सारा अली खान के साथ उनकी केदारनाथ हिट रही और छिछोरे सुपर हिट। उनकी नेक्स्ट मूवी दिल बेचारा, जो इसी साल लॉन्च होनी थी, COVID-19 की वजह से जो रिलीज नहीं हो पाई। उनकी हर मूवी ने अच्छी कमाई की और एक भी मूवी उनकी फ्लॉप कैटेगरी में नहीं आई। टोटल 9 मूवी कर चुके सुशांत सिंह ने अपने हर किरदार को निभाने के लिए मेहनत और टैलेंट का सहारा लिया और खूब कामयाबी भी हासिल करी। ना तो किसी गॉडफादर का उनके ऊपर हाथ था और ना वो किसी बड़े स्टार के बेटे थे, फिर भी अपनी स्ट्रांग एक्टिंग स्किल, बेमिसाल डांस और औसम स्माइल से करोड़ों लोगों का दिल जीत चुके सुशांत सिंह काफ़ी कुछ अचीव कर चुके थे अपनी लाइफ में। खबर आई कि उनके आइडल शाहरुख खान को उनके किसी फैन ने मून पे लैंड गिफ्ट करिए। फिर क्या था, अपने आइडल को इस तरह फॉलो करने वाले सुशांत सिंह ने भी खरीद डाली चांद पे जमीन और फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्होंने मून पे लैंड खरीदा, वो भी शाहरुख खान के बगल में। अपने घर से ही वो चांद का दीदार घंटों तक किया करते थे और उसके लिए वो मोस्ट एक्सपेंसिव टेलीस्कोप का भी यूज करते थे। हम सबकी आंखों में हमारे अपने कुछ सपने होते हैं, कुछ बस सपने देखते रह जाते हैं, कुछ सुशांत की तरह मेहनत कर अपने आप को हर दिन बेटर बना के अपने सपनों को हासिल करते हैं। कुछ लोग सक्सेस मिलने के बाद अपने शौक पूरे करते हैं और उनके सपने धुंधले पड़ जाते हैं। सुशांत शौक अवॉइड करके अपने सपनों के पीछे ही भागा करते थे। सुशांत बेंद्रा में BKC बेंगलोर में रहते थे, जहां अपने साइंस लव और ओल्ड विंटेज थीम से उन्होंने अपने सपनों का घर अपने मुताबिक सजा रखा था। वहां उनका डॉग भी उनके साथ रहता था। उनके पास उनकी ड्रीम कार मर्सिडीज थी, जो उनकी सबसे फेवरेट है, और एक लैंड रोवर SUV, साथ ही BMW की एक ऑसम सुपर बाइक भी। उनके ह्यूमन नेचर की बात करें तो पार्टीज में फनी डांस करके सबको हंसाने वाले सुशांत कभी गुस्से में नहीं दिखे। वुमेन्स की रिस्पेक्ट तो करते ही थे, साथ ही कई बार उनको एम्बेरेस होने से भी बचाया है। चैरिटी वर्क हो, चाहे बच्चों की फ्री एजुकेशन, या किसी ने फाइनेंशियली हेल्प इंस्टाग्राम पे कमेंट करके ही क्यों ना मांगी हो, हेल्प करने में कभी पीछे नहीं थे अपने सुशांत। साथ ही अपने फैंस को सोशल मीडिया पे रिप्लाई देके सुशांत उनको खुश भी कर दिया करते थे। यही कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको दूसरों से काफी अलग करती हैं। उनकी आदतें कितनी साफ और मासूम थी, यह बात आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देख के पता लगा सकते हैं। डाउन टू अर्थ सुशांत अपने हर जानने वाले या बिग फैंस को भी फॉलो कर लिया करते थे, जिसमें 6,000 से ज़्यादा लोग हैं। आपने किसी भी सेलिब्रिटी को ऐसे करते हुए नहीं देखा होगा।
YouTube पे बहुत सी वीडियो देख लीजिए जो ये दावा करती दिख जाएंगी कि सुशांत फाइट विद मीडिया और मिसबिहेव विद फैंस। देखने के बाद पता चलता है कि चाहे फैंस की भीड़ ने उनको दबा ही क्यों ना दिया हो, तब भी उनके फेस पे गुस्से की जगह आपको स्माइल ही दिखाई देगी। सबको खुश रखने वाले सुशांत अपने फैंस को कभी नाराज नहीं किया करते थे, चाहे वो फुटपाथ पे बैलून सेलर हो, वो सबको हंस के पोज दिया करते थे। तभी उनका यूं खामोशी से चले जाना सबको खल रहा है। उनके इस तरह खफा होके चले जाने के बाद कुछ सवाल हम सभी के जहन में उठ रहे हैं। लग्जरियस लाइफ होते हुए भी कॉमन मैन की तरह जीने वाले सुशांत कभी अपने 100 सपनों की लिस्ट लेके मुंबई शहर आए थे, जिसमें से आधे पूरे कर चुके थे और आधे अधूरे रह गए। सुशांत की हर मूवी अच्छी कमाई के साथ हिट भी रही। एवरेज देखे तो वो एक सक्सेसफुल एक्टर थे, बावजूद इतनी सॉलिड एक्टिंग और मूवी की सक्सेस के उन्हें हर बड़े अवार्ड से दूर रखा गया। फिर भी कभी ना रुकने वाले सुशांत सिंह अपना काम पूरी मेहनत से करते गए और पढ़ाई में अव्वल आने वाले सुशांत यहाँ भी नया मुकाम हासिल करने में कामयाब हुए। शायद ही इतना जीनियस और इंटेलिजेंट माइंड पूरे बॉलीवुड में कोई हो। भोले बाबा के भक्त सुशांत हर दिन मेडिटेशन करने के साथ साथ अपने आप को फिट रखने के लिए हार्ड फिटनेस ट्रेनिंग भी किया करते थे। फिर आखिर वो ऐसी क्या वजह थी जिसने सुशांत को इतना ज्यादा मजबूर, बेबस और कमजोर बना दिया कि दूसरा कोई रास्ता ना मिला। आपको बता दें कि करण जौहर की ड्राइव थिएटर पे ना रिलीज होके नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दी गई। जब सुशांत ने रीजन जानना चाहा तो बॉलीवुड के आका ने बात करना ही बंद कर दिया और उनकी साइन की हुई 6 बड़ी मूवीज भी उनसे छीन ली गई। साथ ही 12 एपिसोड की नेटफ्लिक्स सीरीज भी करने वाले थे सुशांत सिंह, पर हर जगह से उनको बेदखल किया जा रहा था। इसके अलावा 2 ऑलरेडी बन चुकी मूवीज पानी और दिल बेचारा की रिलीज पर भी रोक लगा दी गई। जिसके लिए आगे बढ़ना ही सब कुछ हो, उसको इस कदर रोक दिया जाए कि इंसान अपने फैन से सपोर्ट मांगे, प्लीज मेरी मूवीज देखो वरना मुझे बॉलीवुड से बाहर कर देंगे। सबका दिल रखने वाले इंसान जाने से पहले अपने सारे वर्कर्स का हिसाब करके गए, किसी का कुछ नहीं लिया। 3 जून 2020 सुशांत की लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट उनकी माँ को डेडिकेट थी। सेम पोस्ट वो पहले ट्विटर पे 22 जून 2018 को भी कर चुके हैं। लिखा था, धुंधला अतीत आंसुओं की बूंद से तर हो रहा है। यहाँ वो अपनी माँ के चले जाने के गम को याद करके रो रहे थे। आगे लिखते हैं, एक अजीब सपना जो दर्द में भी मुस्कुराहटों को बढ़ा रहा है। जिंदगी 2 फैसलों के बीच में मोल भाव कर रही है, यानी दुनिया से मिल रही परेशानियों में भी आपकी मीठी यादें मुझे एकदम से खुश कर रही हैं। अब दुखों में रहूं या चला आऊं, इसी उलझन में फंसा हूं माँ। अपने नाम के मतलब की तरह चुप होके, दुश्मनों पे भी बिना उंगली उठाए चुपचाप चले गए सुशांत, चुपचाप चले गए सुशांत। जाते जाते सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूँ दोस्तों। पहली, अपना ख्याल रखिए, हालात कितने भी बुरे हों जिंदा रहिए, अपने लिए ना सही तो ये जीवन लोगों की भलाई में लगा दीजिए। दूसरा, एक शेर है, आज मेरी मौत पे रो रहे हैं अभी उठ जाऊं तो जीने ना देंगे। उनकी मूवीज या उनके सॉन्ग जितनी बार भी देखो दिल भर आता है और आंखें नम हो जाती हैं। सभी से रिक्वेस्ट है ये वीडियो शेयर जरूर करें, ना लाइक चाहिए ना सब्सक्राइब करना। प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए ताकि उनको अपनी नीच हरकत पे थोड़ी तो शर्म आए। सुशांत भाई की आत्मा को भावपूर्वक श्रद्धांजलि, तुम बहुत याद आओगे। Show on the beat, yeah.